आज हम लोग यहाँ रंजन कौल की प्रदर्शनी में आए हुए हैं. इट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस आई मस्ट से, क्योंकि इस तरह की एग्जीबिशन हमें कम देखने को मिलते हैं दिल्ली में. जो ट्रेंड है उससे बिल्कुल विपरीत जाके रंजन जी ने ये पेंटिंग बनाई है. जो समाज में जो भी विसंगतियाँ हैं उसका उन्होंने चित्रण किया है. पर यही बहुत यही अंतिम बात नहीं है. इनकी नज़र, जो चित्रकार की नज़र जिस इलाकों में पड़ी है वो आम तौर से हम नज़रअंदाज करते हैं, हमें नहीं दिखते हैं. जो दिल्ली का जो चकाचौंध है, महानगर का जो चकाचौंध है, उससे बिल्कुल एक पत्रकार की नज़र से, एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से जो समाज के बारे में बहुत सचेतन है, उनकी नज़र से देखकर रंजन जी ने चित्र बनाए हैं. और उसकी जो जो कॉम्पोजिशन है, जो संरचना है चित्र की, उसमें अपने आप में एक नयापन है. क्योंकि आपको कहानी जानने की ज़रूरत नहीं कि किस विषय पे बने हैं, बगैर उसको जाने ही आप रुकते हैं वहाँ पे. और उन्होंने हर कैनवस पे कई कई आकृतियाँ बनाई है मनुष्य की. तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना, इन सब चीज़ों को संभाल लेना एक बहुत मेहनत का और बहुत कौशल का भी काम है. पर लेकिन सबसे ऊपर है कि चित्र बनाने की जो प्रेरणा है उसके मामले में चित्रकार बहुत सजग है. क्यों चित्र बना रहे ये उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है. और वो कतई इसका व्यापारिक जो पक्ष है जो आज चित्रकारों के ऊपर हावी हो चुका है उससे बिल्कुल भी ये विचलित नहीं है, प्रभावित नहीं है. और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो पीढ़ी के चित्रकार हैं और जो आने वाली पीढ़ी के चित्रकार हैं वो लोग रंजन कौल के चित्र देखकर एक वैकल्पिक चित्रधारा के बारे में सोच सकते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा होना भी चाहिए. और रंजन कौल को मेरी शुभकामनाएं और बधाई. धन्यवाद.